हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी चली होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जो बहुत ही लोगों को कन्फ्यूजन होता है और वो सॉल्व भी नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, देर ना करते हुए। मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिजाइन टू फ्यूचर। दोस्तों, जैसे ही आप देख रहे हैं, जब भी हम कभी डिटेलिंग करते हैं, ठीक है, तो डिटेलिंग करते वक्त जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया हमने यहाँ पे, और इसकी डिटेलिंग में कर रहा हूँ, इस डिटेलिंग में मैं इसका डायमेंशन शो कर रहा हूँ। नोटेशन के अंदर गए, स्मार्ट डायमेंशन लिए, यहाँ पे डायमेंशन हमने शो किया, ठीक है, यहाँ पे डायमेंशन शो कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से डायमेंशन हमने शो कर रहे हैं। लेकिन ये ग्रे स्केल फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है, ये डार्क ब्लैक में नहीं आ रहा। जब भी हम प्रिंट करेंगे तो पूरी तरह से ब्लैक फॉर्मेट में सही से प्रिंट नहीं होगा, तो इसको ब्लैक कैसे करें? ये बहुत ही प्रॉब्लम होता है। कहीं ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही ईजी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको उस स्केच पे क्लिक करना है और यहाँ पे अदर में जाना है और यहाँ पे लेयर का ऑप्शन है, लेयर के अंदर नन की जगह आपको फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है, बस ये करना है और ओके कर देना है। तो ये हमारा ऑटोमेटिकली ब्लैक हो जाएगा। और आपको सबको एक साथ करना है तो सबको आप सेलेक्ट करो, यहाँ पे अदर में जाओ और यहाँ पे लेयर के अंदर फॉर्मेट पे क्लिक कर दो और ओके कर दो। इस तरीके से ये सारा के सारा ब्लैक हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ईजी है, इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद हो, लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।